भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। मैं हूं नाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 91। गाइज, यह श्रमिक ट्रेन जो कि दिल्ली के आनंद विहार से चढ़ के इस वक्त वाराणसी के लिए निकली है और यह दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रेनें चलाई गई हैं। ट्रेन के प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं बिल्कुल इलाहाबाद प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसलिए कि जिसका यहाँ पे स्टाफ है वही उतरेंगे, बाकी किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ओके, ट्रेन का टिकट फ्री है, यहाँ पे लोगों को ट्रेन टिकट फ्री दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे पानी और क्या नाम है इसका बिस्किट ये फ्री में सप्लाई कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं लोगों को। भैया ये फ्री दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इसका? फ्री दे रहे हैं। हाँ। किसके लिए? मजदूरों के, मतलब पैसेंजर के लिए? हाँ। एक अच्छी बात है। ये किसके तरफ से है, किस मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से है या यार लिया के दे रहे हैं सर? हम लोग ले रहे हैं जी, लिया के दे रहे हैं तो हम लोग ले रहे हैं। किसकी तरफ से? आप पैसेंजर हैं गाड़ी के? हाँ जी जी। किसकी तरफ से मिला ये आपको? यार यहाँ के सर्विस से मिल रहा है सर। ये अच्छी बात है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको यहाँ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से? कुछ भी ठीक बढ़िया है। ओके जी सर, ये आप लोग गणित कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत यही है जी, ये जो है आपका कहीं कहीं तो सही लोग है, हम लोग जो है भाई बंदी से कहते हैं भैया थोड़ा कर दीजिए, हाँ ये सैनिटाइजर कर दीजिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन कोई कोई सुन लेता है कोई कोई नहीं सुनता। तो सर ये आप ले लीजिए, ये जो अभी भाई बता रहे हैं कि बिस्किट मिल रहा है इनको, पानी मिल रहा है, ये इससे आप पैसे ले रहे हैं, इनसे चार्जेस कर रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं आप? नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, ये जो है रेलवे की तरफ से, हम तो सुरक्षा इस गाड़ी को लेकर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम इस गाड़ी को सुरक्षा के लिए लगाए गए। और यहाँ के ये जो यात्री, इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ यूपी गवर्नमेंट नहीं, नहीं, इसमें हमारी यूपी गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो सबको देखिए आपके सामने ही जो है आपको स्पीकर अपने पास में कीजिए, पानी बिस्कुट वगैरह लोग दिए गए हैं, किसी किसी में खाना भी प्रोवाइड भी हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 91 और इस वक्त इलाहाबाद से ये निकलने को तैयार है ट्रेन, आगे पहुंचेगी वाराणसी। वाराणसी में इसका लास्ट स्टॉप है, उसके बाद जो भी पैसेंजर जहां के होंगे उनको वहां पे छोड़ा जाएगा, ठीक है, और वहां से बस के जरिए से छोड़ा जाएगा और कोई चार्जेस नहीं किए जाएंगे, ऐसा यहां पे कहना है लोगों का। चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी और से बात करते हैं, देखते हैं। ट्रेन इस वक्त खाली पड़ी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हम आनंद विहार से आ रहे हैं, नई दिल्ली से। आनंद विहार, माइक हाथ में लीजिए। आनंद विहार से आ रहे हैं जी सर। ये ट्रेन मतलब टिकट क्या पैसे वैसे दिए हैं? नहीं, पैसे नहीं लगे, पैसे नहीं लगे। बाकी रास्ते में आपको खाना पीना मिला वहाँ पे दिल्ली में या यहाँ पे ट्रेनों में? कानपुर जो है कि मिला था, हम दो आदमी को मिला था जी, बाकी बंदे को नहीं मिला। अच्छा, तो टिकट का पैसा नहीं मिला। अभी ये पानी बिस्किट डोनेट कर रहे थे, मिला आपको? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मिला पानी मिला। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और कोई प्रॉब्लम आपको? सफर कैसा रहा आपका? क्या सफर आपका, ट्रैवल कैसा रहा? नहीं, अच्छा रहा सफर तो। अच्छा रहा, चलिए अच्छी बात है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, साथ में आप, चलिए अच्छी बात है भाई। ओके, भारत न्यूज 91 सब्सक्राइब कीजिए आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अब से चंद पलों में ये बस ट्रेनें निकलने को है यहाँ से, और जैसा कि यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी भी थे उनसे भी मैंने बात करा, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब हम मेरी तरफ से नहीं है, ये दिल्ली इलाहाबाद यूपी रेलवे की तरफ से, इलाहाबाद यूपी रेलवे की तरफ से है। इन लोग को फ्री पानी और बिस्किट दिया गया है, और जैसा कि मैंने पैसेंजर से भी बात किया उनका भी ये कहना है कि हाँ यहाँ पे मिला मुझे, रास्ते में भी खाने पीने को मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खैर, बहुत अच्छी बात है, अगर इसी तरह से यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए, जो मजदूर हैं जो यहाँ वहाँ फंसे पड़े हैं दिल्ली में या महाराष्ट्र में या गुजरात में या अन्य किसी भी शहरों में, वो अपने घर वापस जा सकेंगे। खैर, थैंक यू सो मच। भारत न्यूज़ 91 देखते रहिए आप लोग।